उज्जैन जिले के बड़नगर में लोकसभा चुनाव नजदीक आते ही क्षेत्र में प्रत्याशियों की सक्रियता बढ़ती ही जा रही है। इसी के चलते जहां कांग्रेस और बीजेपी प्रत्याशी ग्रामीण क्षेत्रों में जाकर अपना प्रचार प्रसार कर रहे हैं, वहीं निर्दलीय प्रत्याशी भी कहीं पीछे नजर नहीं आ रहे हैं। बात की जाए अगर निर्दलीय प्रत्याशी सागर सोलंकी की, तो उन्होंने बड़नगर तहसील में अपना जनसंपर्क किया है। सोलंकी ने बड़नगर, खरसोत, कला, खंडवा सहित कई गांवों में जनसंपर्क किया है। राजनीतिक करियर की शुरुआत कहां से हुई? मेरी राजनीतिक करियर की शुरुआत यूथ कांग्रेस के चुनाव से हुई थी, जिसमें मैं नगर अध्यक्ष का दायित्व निभाया था। जी, इस दायित्व पर रह के आपने क्या क्या काम किए? मैंने बहुत सारे काम किए, सामाजिक कार्य काम किए हैं, मैंने विकास करवाए और जनता की मैंने मदद की है इस मामले में। आपके मुख्य कौन से मुद्दे रहेंगे जिनको लेकर आप चुनाव लड़ रहे हैं? मेरे मेन मुद्दे रहेंगे बेरोजगारी। जी, बेरोजगारी में आज के जो युवा हैं, जी, बेरोजगारी की वजह से गलत रास्तों पर जा रहे हैं। जी, घर से दूर पालन कर रहे हैं मजदूरी के लिए, और घर में ना ही खुशियाँ हैं, पूरा परिवार मजदूरी करने लग जाता है। बेरोजगारी मेन समस्या है। सेकंड जो चीज़ें, किसान भाइयों के लिए, किसान भाई इतनी दिन रात मेहनत करते हैं जी, गर्मी, ठंड, बारिश के अंदर, और इतनी मेहनत करने के बावजूद भी उनको उनकी फसलों का उचित मूल्य नहीं मिल पाता है। किसान बहुत परेशान है। स्वास्थ्य की व्यवस्था है, गांव-गांव हो, कोई व्यक्ति परेशान ना हो। ग्रामीण क्षेत्रों में बारिश के मौसम में कितनी दूर पैदल चलना पड़ता लोगों को जी, वाहनों से भी आते हैं तो काफ़ी समय होता है। तो गांव-गांव में स्वास्थ्य सेवाएं व्यवस्थाएं करवाना मेरी मेन प्राथमिकता रहेगी। यदि आप चुनाव लड़ते हैं तो आपका मुख्य विषय क्या रहेगा, किस पर प्रमुख वो देंगे आप समय? मैं यदि चुनाव जीतता हूं तो मेरा सबसे मेन ये रहेगा कि बेरोजगारी को ख़त्म करना। बेरोजगारी नहीं होगी, सभी व्यक्ति खुश रहेंगे और विकास की ओर जाएंगे। किसान भाइयों के लिए विशेष योजना संचालित की जाएगी ताकि उन्हें उनकी फसलों का उचित मूल्य मिल सके। क्या नाम है आपका? डॉक्टर सागर सोलंकी। उज्जैन से अजय निमा की रिपोर्ट।